वेरी गुड मॉर्निंग, एक और फ्रेश वाले वीडियो में आप सबका स्वागत है। आई नो वीडियो को लेट हो गया है, पर कभी कभी अच्छे कंटेंट के लिए वीडियो को लेट हो जाता है। तो फाइनली आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं, ये है एचपी का EC-1050 पवेलियन गेमिंग लैपटॉप। जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स, देखते हैं क्या कुछ इसके स्पेक्स है और क्या कुछ माल मसाला हमें इस लैपटॉप में मिलने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो सबसे पहले आपको एक बार इसे स्पेक्स बता देता हूँ। यहाँ का ये जो मॉडल नंबर है, इसकी प्राइस है, पर इस प्राइस में जन हमें ये बहुत ही इफेक्टिव प्राइस में मिला है। और ये April 2025 का मॉडल है, तो मतलब अभी फिलहाल का लेटेस्ट ही मॉडल है। पावर है, केबल के बाद एक 150 वॉट का आपको इसमें पावर एडेप्टर मिलने वाला है। तो 150 वॉट सफिशियंट हो जाएगा मेरे हिसाब से सबके लिए, क्योंकि जल्दी से चार्जिंग हो जाती है 150 वॉट में भी। हमें इसके साथ ये यूजर मैनुअल मिलने वाली है, हम कभी इसे पढ़ते भी नहीं है, तो इसे रखते हैं साइड में। ओह गॉड, सही में भाई बहुत भारी है लैपटॉप। सबको अगर मेरे हिसाब से अगर आपको इसके फर्स्ट इंप्रेशंस बताऊं ना, तो लैपटॉप दिखने में बहुत स्लीक डिजाइन है। अभी आपको कैमरा में जस्टिस बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मतलब मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे और मुझे लगा यार लैपटॉप का डिजाइन अच्छा नहीं है या थोड़ा मैट फिनिश है। पर यार सच्ची बोलूँ ना, तो जब आप खुद लैपटॉप हाथ में लेते हो तो आपको डिजाइन समझ में आ जाता है। और भाई डिजाइन मतलब आपको पूरा मैट फिनिश मिलने वाला है, एचपी का लोगो है और बहुत ही ग्लॉसी वाला लोगो है, आपको मतलब दिख ही रहा है। तो अभी जल्दी से करते हैं ओपन। बाजू में अभी इसका एक बार बूट टाइमिंग चेक कर रहे थे, करते हैं स्टार्ट। ऑडियो जैक और फुल साइज मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलने वाला है। यूएसबी पोर्ट के मामले में यूएसबी पोर्ट बहुत ज्यादा कम है, और अगर आपको चार्जिंग करनी है तो आपको ये यूएसबी 2.0 है, आपको यहाँ से कंटिन्यूस चार्जिंग मिलती रहेंगी अगर आपका लैपटॉप बंद है तो भी। आपको एयर वेंट्स है यहाँ से मिलने वाले ऊपर से। तो अगर कूलिंग फैंस की बात की जाए तो दोनों कूलिंग फैंस उन्होंने बीच में दिए है, बाजू में देते तो थोड़ा और अच्छे थर्मल्स हो जाते हैं। पीछे विंडोज की ब्रांडिंग पवेलियन, अगर स्पेसिफिकेशन वाइज बात की जाएगा इस लैपटॉप की, तो आपको ये जो पूरा पैनल है ये एलईडी पैनल मिलने वाला है, विथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 250 निट्स की ब्राइटनेस। मेरे साथ थोड़ी ब्राइटनेस कम लग रही है अभी, मतलब आप ये दिन में देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्राइटनेस की थोड़ी कम है। और आपको ये जो ये कीबोर्ड है, लाइटअप कीबोर्ड मिलने वाला है, बहुत ही ऑसम लगते हैं, इसलिए फिलहाल लाइट में भी समझ में नहीं आ रहा है। और इसमें अगर प्रोसेसर वाइज बात की जाए तो आपको इसमें AMD Ryzen 4600H विद रेडन ग्राफिक्स 3 GHz स्पीड मिलने वाली है। तो अगर रैम देखी जाए तो आपको इसमें 8 GB रैम विद 1 TB हार्ड डिस्क प्लस 256 GB SSD का ऑप्शन मिलने वाला है। 4 GB डेडिकेटेड NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है। तो एक्चुअली इसमें दो वेरिएंट्स अवेलेबल थे, एक 1650 था और 1650 Ti था। तो मैं 1650 Ti पर गया, क्योंकि 1650 Ti जो है वो बहुत ही अच्छा था। मतलब जो मेन स्पेक्स थे मैंने आपको वो बता दिया है। मैंने पहले बोला था आपको ये बहुत ज़्यादा बड़ा रिव्यू बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो आप बोलेंगे आप इसमें साउंड टेस्ट भी नहीं किए, गेमिंग टेस्ट भी नहीं किए है। अगर साउंड टेस्ट करते तो मैं सुना तो आपको अलग माइक से, आप सुनते हो अलग हेयरफोन से, तो इसकी जो रियल साउंड क्वालिटी आपको ध्यान में नहीं आती। पर अगर आप मैंने जितने इसको यूज़ किया है तो इसकी साउंड क्वालिटी एक्सपेक्ट करते थे लैपटॉप से उतनी नहीं है, पर काफ़ी अच्छी साउंड डिलीवर कर देता है ये लैपटॉप।
अगर कूलिंग की बात कीजिए, जो टेम्परेचर्स है वो मतलब गेमिंग में या नॉर्मल यूजेस में टेम्परेचर जो है वो 70-70 तक ऐसे स्टैंड करते हैं। गेमिंग टेस्ट नहीं दिखाने वाले, अगर आपको गेमिंग टेस्ट देखनी है तो आपको बहुत सारे वीडियोज ऑल भी मिल जाएंगे, वहाँ पे गेमिंग टेस्ट देख सकते हो। अगर इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप की बात की जाए, मैंने इस लैपटॉप को 100% चार्ज किया था, उसके बाद इस पर कंटिन्यूस नेट चालू था, 50-60% ब्राइटनेस थी और पावर सेविंग मोड पर था। तो फिर मुझे ऐसा पूरा यूजेस करके लैपटॉप बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ, एकदम थोड़ा थोड़ा हीट होता है पर यार उतना चलता है, क्योंकि हम सर्फिंग करते हैं, 144 Hz का रिफ्रेश रेट की स्क्रीन है, तो फिर उसके वजह थोड़ा सा हीटअप होता है पर ऐसा कुछ ध्यान में नहीं आता है। 3.5-4 घंटे तक आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल जाता है। सो अगर आपको इससे पूरा परफॉर्मेंस निचोड़ना है तो पावर एडेप्टर लगा के रखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आप सब एक्सपेक्ट कर रहे हो। मुझे एक ड्रॉबैक लगा कि इसकी जो मतलब जो मैट फिनिश है ना, इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, आपको इसे बार बार क्लीन करना पड़ता है, मतलब पीछे से देखो या आगे से देखो। और मतलब इस जो फ्लेक्स जो बोलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा फ्लेक्स है या फ्लेक्स नहीं है, तो जब हम खुद इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्लेक्स भी लगता नहीं है, कुछ भी लगता नहीं, लैपटॉप सबसे अपना लैपटॉप सबसे बेस्ट लगता है, बस ऐसी बात है। तो इस लैपटॉप की अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो थोड़ी फ्लक्चुएटिंग होती रहती है, तो इसकी जो मैंने फिलहाल जो प्राइस है ऑनलाइन चल रही है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया है। तो मैंने जहाँ से लैपटॉप लिया है, अगर आपको वहाँ से लेना है, अगर आप अकोला से देख रहे हो तो नीचे सब डिस्क्रिप्शन में पूरी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप बोलते हो टेक्सटाइल ब्लॉग के सब्सक्राइबर्स हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मुझे इसके साथ ये एक ओरिजिनल HP की गेमिंग बैग भी मिली है, और सच्ची बोलो ना बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब ये देखो, एक, ये दो, ये तीन, उसके अंदर और एक है, ये देखो, ये चार, ये लैपटॉप रखने का 5, ये चार्जर रखने का 6। बैग की क्वालिटी भी अच्छी है, तो मुझे इसके साथ ये बैग भी मिल गया लैपटॉप के साथ। ओरिजिनली ये जो बैग है ना, इसकी जो प्राइस है ये 2500 है, पर मुझे लैपटॉप के साथ में फ्री में मिल गई, क्योंकि अपने शोरूम वाले पहचान गए थे, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आपको अकोला से लैपटॉप लेना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सब इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर जाइए, आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में बहुत ही अच्छा बेस्ट लैपटॉप मिल जाएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल रिव्यू वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो बस अगर आप वीडियो का यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए टेक्सटाइल ब्लॉग्स।